हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे हाइपरटेंशन की। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज। और आपने अदर क्वेश्चन नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट में उसका आंसर मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इन द कॉमन कंडीशन इन विच द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इन द हाई इनफ दैट इज मे इवेंचुअली कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जब हमारे आर्टरी में, आर्टरी की वॉल पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तब क्या होता है, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, उसकी वजह से हो रहा है, और बहुत सारे अदर कॉज भी होते हैं, बट इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है। चलिए बात करते हैं इसके टाइप की। ये टू टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? फॉर मोस्ट अडल्ट देयर नो आइडेंटिफाइबल कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। आप इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हो। और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका बीपी जो हाई होता है उसमें उसका कॉज पता नहीं होता, ठीक है, उसका मतलब कॉज नहीं पता होता है कि ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है, तो इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी क्या होता है? सम पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर कॉज बाई अंडरलाइन कंडीशन, मतलब इसका कॉज आपको पता होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हमें पता होता है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो आपका हाई हो सकता है। दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ऐसे ब्लड प्रेशर को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। टेन टू अपीयर सडनली एंड कॉज हायर ब्लड प्रेशर देन डज प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये आपको सडनली देखने को मिलेगा और इसका मतलब कॉज हायर होता है आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंग, इसका कॉज आपको ज़्यादा मिलेगा और ये सडनली होता है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, इसके कॉज क्या होते हैं, इसका अभी तक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, बट कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन होते हैं जिसमें आपका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। पहला आपका आएगा स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर आप करते हो तो आपको बीपी हाई होने के चांस रहते हैं। बीइंग ओवरवेट और ओबेस, सबसे मेन कॉज इसका ओवरवेट होता है। अगर किसी का ओवरवेट है तो उसमें क्या पड़ता है, जो आर्टरी होती हैं उसकी वाल पे प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो बट आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो उससे आपका वेट ओवर होगा और आपको ये कंडीशन हो सकती है। टू मच साल्ट इन द डाइट, अगर आप अपनी डाइट में साल्ट ज़्यादा लेते हो तो उससे क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन होगा जिससे आपका बीपी इंक्रीज होता है। टू मच अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रेस क्या करता है, हमारी जो हार्ट की जो फंक्शन है वो इरेगुलर कर देता है, अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो इससे भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट है ओल्डर एज, ओल्ड एज में भी आपको देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर। जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक्स से भी हो सकता है आपके फैमिली में किसी को, तो आपको भी चांस होते हैं होने के। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई फैमिली में अगर है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अगर किसी का किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है जिससे कि वो साल्ट को, किडनी है जो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है और साल्ट का आपकी ब्लड में बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्सेसिव हो जाएगा जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। स्लिप एपनिया, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, आपको नींद लेने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम की, इसके आपको क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे जिससे आप पता कर सकते हो कि इसका बीपी इंक्रीज हुआ है। पहला आपको होगा हेडेक, डिजनेस,
आपको चक्कर आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होगी, डिफ़िकल्टी वाइल ब्रीदिंग, और आपको ब्रीदिंग लेने टाइम डिफ़िकल्टी होगी, इरेगुलर हार्ट बीट, और आपकी हार्ट बीट इरेगुलर रहेगी, फटीग, मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट वो उसको अपनी चीज़ें कम याद रहती हैं, और कन्फ्यूजन बहुत रहता है। पाउंडिंग इन द ईयर, नेक एंड चेस्ट, ये क्यों होता है? जब हमारा बीपी हाई होता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो आर्टरी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसमें आपको एक ईयर में आपको साउंड जैसा सुनाई देगा, वो आपको नेक पे, चेस्ट पे दिखेगा, नोज ब्लीड्स, आपको नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये आज का था हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.